और मेहमान शायर जनाब अख्तर आदमी साहब से मुलाकात करते हैं, जो सागर आदमी साहब की सरजमीन से तशरीफ़ लाए, और आप एक अच्छे प्रोफेसर भी हैं। आपके अपने बीच अपना ही शायर जनाब अख्तर आदमी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दिल निभाते हुए मंदिर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं, बेसबब हमको दबाने की न कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। जनाब अख्तर आदमी साहब माइक पर। देखिए, मैं एक चीज़ महसूस कर रहा था, मुन्ना भाई, फैसल भाई, आप सबको मुबारकबाद। एक चीज़ महसूस कर रहा था कि तालियां आपने बहुत बजाई, लेकिन जब आपके सामने शेरे महाराष्ट्र बैठा हो तो इतनी कमज़ोर तालियां शोभा नहीं देती। और यही नहीं कि सिर्फ आगे से ही तालियां आ रही थी, ये मोहल्ला बिल्कुल खामोश है, नाइंसाफ़ी है भाई, चलेगा नहीं ऐसे। देखिए, मैं अपना लहजा कुर्बान करने जा रहा हूँ, मैं फिलोसफिकल आशिकाना सूफियाना शायर हूँ, लेकिन आज इस शख्सियत को देखते हुए थोड़ा सा अपने आप को कुर्बान करता हूँ और वो शेर सुनाता हूँ जो मैं कभी सुनाता नहीं आमतौर से। देखिएगा और हिफाजत चाहूंगा इसकी। जी भाई, पेश करें। तानाशाहो ये मत सोचो सब डर जाने वाले हैं, सब डर जाने वाले हैं। तानाशाहो ये मत सोचो सब डर जाने वाले हैं, सब डर जाने वाले हैं। तानाशाहो ये मत सोचो सब डर जाने वाले हैं, मर कर भी कुछ लोग यहाँ आइन बचाने वाले हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। मर कर भी कुछ लोग यहाँ आइन बचाने वाले हैं, आइन बचाने वाले हैं। एक कथा और पेश करता हूँ, ये मोहल्ला अभी भी खामोश है, अभी भी इससे उम्मीद है थोड़ा और तेज हो जाने की, देखिएगा। जरूरत है वतन को तो अभी कुर्बान हो जाए, क्या बात है, क्या बात है। जरूरत है वतन को तो अभी कुर्बान हो जाए, दूसरी लाइन पे कोई खामोश नहीं रहेगा। जरूरत है वतन को तो अभी कुर्बान हो जाए, हर एक बच्चा हमारा अशफाकुल्ला खान हो जाए, हर एक बच्चा। अब लगा है यार, मुशायरा सुन रहे हैं और आपके सामने जो शख्सियत बैठी है, ये सिर्फ आजमगढ़ नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरी पूरी दुनिया में अपने शेर होने का सबूत देता है। एक बार और तालियां बजा के बताइए। हर एक बच्चा हमारा अशफाकुल्ला खान हो जाए, और चौथे मिसरे पे आप झूम जाएंगे, देखिएगा। हर एक बच्चा हमारा अशफाकुल्ला खान हो जाए, वतन को घेर ले दुश्मन, वतन को घेर ले दुश्मन तो लड़ने के लिए इनसे, वतन को घेर ले दुश्मन तो लड़ने के लिए इनसे, उसी ना तान कर ब्रिगेडियर उस्मान हो जाए। बहुत अच्छे, वाह। उसी ना तान कर ब्रिगेडियर उस्मान हो जाए। आसिम भाई, एक शेर पेश करता हूँ, शख्सियत के हवाले से, भाई सभी लोग शरीक हो जाए। जी भाई, पेश। बुझता हुआ चराग संभलने पर आ गया, बुझता हुआ चराग संभलने पर आ गया, बुझता हुआ चराग, बुझता हुआ चराग संभलने पर आ गया, इसको हवा लगी तो ये जलने पर आ गया, इसको हवा लगी तो ये जलने पर आ गया। देखिए गजल के
और दो तीन शेर सुना के फिर इजाजत चाहता हूँ। आपने मुशायरा कामयाब कर दिया है। बचपन में कुछ था ही नहीं, अपनी असली औकात में आता हूँ मैं। बचपन में कुछ था ही नहीं, वाह, बचपन में कुछ था ही नहीं, तब मन में कुछ था ही नहीं, तब मन में कुछ था ही नहीं। शोर मचाते टूट गया, शोर मचाते टूट गया, शोर मचाते टूट गया, शोर मचाते टूट गया, बर्तन में कुछ था ही नहीं। बहुत अच्छे, वाह, बर्तन में कुछ था ही नहीं, और राधा और कान्हा के सिवा, 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 मधुबन में कुछ था ही नहीं। बहुत अच्छे भाई, मधुबन में कुछ था ही नहीं। देखिए, आपसे इजाजत चाहता हूँ, लग रहा आप थक गए हैं, लेकिन एक मतला एक इस मिजाज का मुन्ना भाई के हवाले से एक शेर पढ़ना था मुझे। जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याल यार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याल। देखेगा फैसल भाई, आपके लिए शेर। आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपका माशूक भी मक्कार होना चाहिए आपका। बहुत शुक्रिया।